हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.3 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। देखिए, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी और यहाँ पर जो आपका एंगल बी है ये आपका 2 टाइम्स है एंगल सी का। उसके आगे बोला है डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। लेट्स से ये आपका डी पॉइंट है बीसी पर। इसके बाद बोला है सच दैट एडी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। इसका सिंपल सा मतलब है आपको एडी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। लेट से आपका ये एडी यहाँ पर ज्वाइन हो गया। इसके बाद ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, ठीक है। ये आपका एंगल है बीएसी। इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा एंड एबी इज इक्वल टू सीडी। देखिए, एबी जो है आपका वो सीडी के बराबर है और आपको प्रूव करना है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। आपको प्रूव करना है एंगल बी ए सी, दैट मीन्स ये टोटल एंगल आपका 72 डिग्री। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा। इसके बाद आपको ज्वाइन करना है इस लाइन को। लेट से ये आपका पी पॉइंट है तो आपको पीडी को ज्वाइन करना है और बीपी आपकी एक एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने किया है ड्रॉ बीपी, दैट मीन्स दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर और यू कैन सी द बाइसेक्टर ये एंगल और ये एंगल। इसका सिंपल सा मतलब है आपका एंगल हो जाएगा ए बी पी और दूसरा एंगल होगा आपका यू कैन से पी बी डी। ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। इसके बाद आपने क्या किया है जॉइन पी डी, ठीक है। आपने दो काम किए हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और दूसरा पीडी को ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए, एडी जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। तो यहां पर आप लिखेंगे लेट बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर ये एंगल आपका एक्स है तो ये भी एक्स होगा। बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। इसके बाद हम पूरे के पूरे एंगल को, एंगल बी ए सी को क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी को हम बोल सकते हैं 2x, दैट मीन्स x प्लस एक्स विल बिकम 2x। ओके फाइन। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। अगर मैं एंगल सी को y मान लूं तो आपका एंगल बी क्या हो जाएगा 2y। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर ये आपका y है एंगल सी तो b हो जाएगा आपका 2y। ओके, सपोज यू विल राइट सपोज एंगल ए सी बी, ओके, दैट मीन्स एंगल ए सी बी। इसको हमने क्या मान लिया, अगर y मान लिया तो आपका एंगल ए बी सी बन जाएगा 2y। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, अगर एंगल सी आपका y है और एंगल बी आपका 2y है और बी पी आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल पूरा का पूरा आपका 2y है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है बी पी, दैट मीन्स
ये भी आपका वाई होगा, ये भी आपका वाई होगा, ओके। ये एंगल आपका वाई होगा और ये एंगल भी वाई होगा। टोटल एंगल आपका 2y है और एंगल सी आपका वाई है, ओके। तो आप यहां पर लिख देंगे, यू कैन राइट एंगल सी बी पी इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स सी बी पी, ये एंगल, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, देखिए ए बी पी ये वाला एंगल और देखिए डी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट मीन्स ए बी पी ट्रायंगल के अंदर ए बी और ट्रायंगल डी सी बी के अंदर आपको देखना है सी डी, ठीक है। ये दोनों आपकी इक्वल हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये आपको गिवन है। इसके बाद देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी वाई है और ये भी आपका वाई है, तो आप यहां पर लिख देंगे एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, ये आपका एंगल वाई है। इसके बाद देखिए आपकी ये वाली साइड बी पी जो है ट्रायंगल ए बी पी के अंदर, साइड बी पी किसके बराबर होगी, इस पी सी के बराबर होगी। कैसे होगी, देखिए अगर हम बात करें ट्रायंगल बी पी सी की, तो यहां पर देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है, तो इसका सिंपल सा मतलब है जब आपके ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, ओके। दैट मीन्स पी पी विल बी इक्वल टू पी सी, तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल सी पी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, ओके, ये आपका वाई है। इसका सिंपल सा मतलब है बी पी इज इक्वल टू सी पी, ओके। तो अब आपने इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये भी प्रूव कर दिया कि बी पी जो है वो सी पी के बराबर है, तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं एंड बी पी इज इक्वल टू सी पी, ओके। इसके बाद आप लिख सकते हैं यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, यू कैन से ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी सी पी, है ना। देखिए हम बात कर रहे थे ट्रायंगल ए बी पी और देखिए यहां पर आपका ट्रायंगल है डी सी पी, ठीक है, दोनों आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। इसके बाद आप सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी, दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका किसके बराबर होगा, आप यहां पर देखिए ये होगा आपका सी डी पी, दैट मीन्स इस एंगल के बराबर होगा ये एंगल, ओके। तो यहां पर हम लिख देते हैं एंगल आपका बराबर होगा सी डी पी, ओके, दैट मीन्स आप यहां पर लिखेंगे सी पी सी टी, और साथ में आप ये भी लिखेंगे जो ए पी आपकी साइड है ट्रायंगल ए बी पी के अंदर वो आपकी पी डी के बराबर होगी, या फिर डी पी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी आपकी सी पी सी टी से बराबर होगी। तो चलिए इसको भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ए पी इज इक्वल टू डी पी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं उसके बाद मैंने यहां पर साइड्स को इक्वल लिख दिया सी पी सी टी से और एंगल्स को भी सी पी सी टी से इक्वल लिख दिया। देखिए मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात समझा देता हूं, हमने यहां पर यूज किया है नेमिंग। नेमिंग का मतलब होता है एंगल्स को एक्स और वाई के फॉर्म में हमने यहां पर नाम दिया है ना। इसे होगा क्या, जब आप एंगल सम रूल का यूज करोगे
तो वहां पर आपको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपने एपी इक्वल टू डीपी किया विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, आप देखिए एपी आपकी ये वाली साइड है और डीपी आपकी ये वाली साइड है। अब आप देखिए ट्रायंगल एपीडी में, तो ये आपका एंगल एक्स है, तो दैट मीन्स ये भी एंगल आपका एक्स होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि जब आपकी साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट में एंगल्स भी बराबर होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किस तरीके से? देखिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल एपीडी में। ओके, एपीडी के रिस्पेक्ट में आपका ये वाला एंगल आपका बनता है एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं एंगल डीपीसी इज इक्वल टू एंगल पीएडी प्लस एंगल पीडीए। ओके, यहां पर हमने यूज किया है एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, ये आपका x है, ये आपका x है, दैट मीन्स PAD आपका x था और PDA ये भी x है, तो आपका एंगल DPC बन जाएगा आपका 2x। ओके, तो ये आ गया आपका 2x। तो ये आपने कौन सा ट्रायंगल लिया? देखिए ये आपने ट्रायंगल लिया है APD, ठीक है। इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हमने ये कंडीशन अप्लाई की है। इसके बाद आपको ट्रायंगल लेना है BPC। इस ट्रायंगल में BPC में आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। किस तरीके से? देखिए आप यूज करेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल PBC प्लस एंगल PCB। देखिए APB दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल होगा BPC ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहां पर देखिए ये एंगल आपका Y है और ये एंगल आपका Y है, तो ये एंगल आपका इन दोनों एंगल का सम होगा, दैट मीन्स ये एंगल होगा आपका 2y, ठीक है। तो ये एंगल आपका y है और ये एंगल आपका y है, तो दैट मीन्स एंगल APB हो जाएगा आपका 2y। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल PDC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे विद द हेल्प ऑफ CPCT, है ना। हमने कुछ नया नहीं किया है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहां पर सिर्फ लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी आपके दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन कौन से? डीपीसी और एंगल आपका एबीपी। डीपीसी इज इक्वल टू एंगल एपीबी। ओके, ये ऑलरेडी आप सीपीसीटी से प्रूव कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इस बात को आसानी से लिख सकते हो। तो DPC आपका एंगल है 2x। ओके, लेट्स से ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो आपने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे के बराबर रख दिया क्योंकि दोनों एंगल आपके बराबर हैं। तो यहां से आपका x जो है वो y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है। ट्रायंगल होगा आपका ABC, पूरे के पूरे ट्रायंगल में एंगल सम रूल का यूज करना है, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में आपने एंगल सम रूल को यूज किया है। एंगल A देखिए, ये आपका टोटल एंगल है, दैट मीन्स x प्लस एक्स, ये हो गया आपका 2x, और एंगल B आपका होगा y प्लस वाई, दैट मीन्स 2y, और एंगल C है आपका y, तो यहां पर लिखेंगे आप 180 डिग्री।
अब देखिए आपको y की जगह x रखना है और y की जगह x ही क्यों रखना है, देखिए आपको निकालना है एंगल BAC और BAC में आपका आता है x, तो यानी कि x की फॉर्म में आपको एंगल निकालना है। तो चलिए आप यहाँ से देखिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं x इज इक्वल टू y, तो आप सिंपली y की जगह x रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x। तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री, ओके। तो यानी कि जो सिंगल x है आपका, इसका वैल्यू है 36 डिग्री और दूसरे वाले का भी 36 डिग्री होगा, क्योंकि आपका AD जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है, और दोनों को ऐड करेंगे 36 प्लस 36 वो आ जाएगा आपका 72 डिग्री, और यही आपको चाहिए था, है ना। इसका सिंपल सा मतलब है एंगल A आप निकाल लेंगे, एंगल A है आपका 2x, यानी कि 2 इंटू 36 दैट मीन्स 72 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।